अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल की स्थिति हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में 2019 के बाद से लगातार कुछ न कुछ बदलाव होते रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ उसकी शायद उम्मीद किसी को नहीं थी। आज कुछ ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र राज्य में एक समय सत्ता में रहते हुए एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ आरोप लगे और नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई। उनके खिलाफ संगीन आरोप लगे, यहां तक कि देशद्रोह के तक आरोप लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बावजूद तत्कालीन एनडीए सरकार ने लंबे समय तक नवाब मलिक को मंत्री पद से नहीं हटाया और तब भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी को काफी इस मुद्दे पर घेरा। हालात पलटे, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी। उसके बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जो कि शिवसेना से टूटकर आए और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई और उस सरकार में आगे चलकर अजीत दादा पवार ने एनसीपी में तोड़ किया और एनसीपी के कुछ विधायक लेकर अजीत दादा पवार भी उसमें शामिल हुए। अजीत दादा पवार अपने गुट के गुट नेता भी है, गट नेता, और महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी है। अभी वर्चस्व की लड़ाई हर जगह शुरू है, चाहे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट, चाहे एनसीपी शरद पवार गुट हो, चाहे अजीत दादा पवार गुट, हर कोई अपने नेता को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। ऐसे में अजीत दादा पवार ने नवाब मलिक को अपनी तरफ खींच लिया और नवाब मलिक ने शरद पवार का हाथ छोड़कर अजीत दादा पवार का हाथ पकड़ लिया, उन्होंने अजीत दादा पवार का गुट ज्वाइन कर लिया। फिलहाल नवाब मलिक जेल से बाहर है, उनको बेल हुई है और आज नवाब मलिक शीतकालीन सत्र जो अभी शुरू है नागपुर में उसमें शामिल होने नागपुर पहुंचे। तब विरोधी पक्षों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए विधानसभा में सवाल उठाया कि बीजेपी जो एक समय में नवाब मलिक को लेकर इतनी हमलावर होती थी, आज उसी नवाब मलिक के साथ बैठी दिखाई दे रही। हालांकि विपक्षों के सवाल का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया उनको वहीं पे, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उल्टा विपक्षियों से सवाल तक किया। लेकिन क्योंकि भाजपा यहां ये बात समझ सकती है कि अगर नवाब मलिक साथ में रहते हैं तो विपक्षियों को एक मौका मिलेगा उनको घेरने का, तो शाम होते होते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को एक पत्र लिखा और उसमें साफ तौर पर नवाब मलिक को अपने साथ रखे जाने पर आपत्ति उन्हें जताई। यह पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मराठी भाषा का पत्र है। इसका मजकूर खाली मैं आपको इतना बता देता हूं कि इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्र के शुरू में यह कहा है कि नवाब मलिक आज नागपुर अधिवेशन में दिखाई दिए, एक विधायक होने के नाते उनका अधिकार है और उसके लिए हमारा कोई उस पर हमारा आक्षेप नहीं है, न ही कोई शत्रुता है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह के देशद्रोह के और आरोप लगे वो फिलहाल सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर है और ऐसे में उनके आरोप अभी ना ही सिद्ध हुए हैं ना ही आरोप खारिज हुए हैं। ऐसे में उनके साथ में बना रहना ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको उनको महायुति सरकार का हिस्सा बनाना सही नहीं है और इसका हम विरोध करते हैं, ऐसा विरोध उन्होंने दर्शाया। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर आगे चलकर नवाब मलिक दोष जो उनके ऊपर दोष लगाए गए उनसे वो बरी होते हैं तो हमें उनके साथ में रहने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर संगीन मामले हैं। और एक खास शब्द जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है वो काफी ट्रेंड कर रहा है, वो वर्ड ये है, सत्ता येते आणि जाते पण सत्ता पेक्षा देश महत्वाचा आहे। ये वर्ड इन्होंने अपने पत्र में लिखा और आगे लिखा कि हम नहीं चाहते कि आप इनको अपने साथ में रखो, अपने गुट में रखो, ये हमारा विरोध है। अंतिम पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने
आरोप लगने के बाद भी मंत्री पद से नवाब मलिक को नहीं हटाया था, उसी प्रकार इस समय उनके ऊपर आरोप लेते अगर वो महायुति में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी सरकार द्वारा किए गए कृत्य के जैसा ही कृत्य माना जा सकता है और हम उसके लिए हम तैयार नहीं है। तो आप हमारी भावनाओं की कद्र कीजिए। तो इतनी काफी बड़ी बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखी, और ये उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये जो पत्र है ये इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, खास करके इस पत्र को काफी ट्वीट किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पत्र के बाद अजित पवार गुट की क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है, और क्या इस पत्र के बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भूचाल आता है, क्या अजित पवार इस तरह से बीजेपी का खुले तौर पर विरोध करने के बावजूद भी नवाब मलिक को अपने साथ रखते हैं, क्या अजित पवार भी सरकार से अलग होते हैं या बीजेपी नवाब मलिक को अपनाती है, ये सब चीजें आने वाले समय में मालूम पड़ेगी। अभी फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। तेरे गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।